लेकर क्या किसी तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है, या फिर जिस तरह से कैरेक्टर्स के मूड में ढालना होता है, तो क्या उसे मॉड्यूल किया जा सकता है या ट्रेनिंग से कुछ ट्रिक्स किया जा सकता है, हम ये जानना चाहेंगे। क्योंकि जब जरूर हम रिकॉर्ड आवाज अलग होती है, फोन पे सुनते हैं तो आवाज अलग होती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्योंकि जब हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, अब मैं जब आपसे बात कर रही हूं तो मैं हूं, राइट? तो मैं अपनी तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं किसी और कैरेक्टर के लिए बोल रही होंगी तो आई विल स्पीक लाइक दैट कैरेक्टर। तो मुझे उस कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज में घुसना है, उस कैरेक्टर के मूड में, स्टाइल में, अंदाज में घुसना है पूरी तरीके से। तो मुझे थोड़ा अपने आप को तो अडेप्ट करना होगा ना। तो ये एक एक्सपीरियंस और स्किल से आता है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग बिगिंस विद टैलेंट एंड पैशन, यू नो। जब आप ये करना चाहते हैं तब थोड़ी सी ट्रेनिंग हेल्प करती है जरूर, बिकॉज यू नो वी टीच बेसिक वोकल एक्सरसाइजेस, हाउ टू गेट कंट्रोल ओवर योर वॉइस, वोकल फिटनेस, किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में किन चीजों को किन चीजों को जानना जरूरी है, और किन चीजों पर को याद रखना जरूरी है, किन चीजों पे काम करना जरूरी है, ये सब चीजें बेसिक टेक्निकलिटीज यू नो एक सीखना जरूरी है, जो कि हमारे टाइम पे हम तो देख देख के सीख चुके हैं। आजकल कंटेंट सिक्योरिटी इतनी बड़ी बात हो बन चुकी है कि हम लोगों को स्टूडियो में बिठा के तो नहीं सिखा सकते कि आप देखो और आप सीख लो। सो उसके लिए आजकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमको यू नो रन करने पड़ते हैं, जिसके जरिए लोग सीख सकते हैं कि ये डबिंग जो है होता कैसे है, वॉइस एक्टिंग हम करते कैसे हैं, हाउ डू यू गेट इनटू द शूज ऑफ अनदर कैरेक्टर, और पूरे अपने आप को उसमें डाल लो, भूल जाओ कि तुम कौन हो और तुम कैसे बात करते हो, पूरे मतलब जो आप विजुअल आपके सामने देख रहे हो पूरे उसमें घुस जाओ कि आप उसी वक्त उसी जगह पे हो, उस आदमी के शरीर के अंदर हो, आप उसके तरीके से मूव कर रहे हो, आप उसकी उसकी तरह बोल रहे हो, आप उस सिचुएशन में हो, वो उन सब चीजों पे पूरी तरह आपका ध्यान चले जाना चाहिए। सो दैट इज वाई ट्रेनिंग इज नेसेसरी, और इसीलिए वॉइस एक्टर्स के वॉइसेस आप देखेंगे, एक जो अलग अलग कैरेक्टर्स वो पोर्ट्रे करते हैं उसमें उनका अंदाज भी अलग अलग होगा। बिल्कुल मोना, हम जाना चाहेंगे क्योंकि आप वॉइस सिखाती भी हैं, लोगों को वॉइस ट्रेन करती हैं, सो ऐसे में अगर मेरे कोई दर्शक हैं जो बिल्कुल डबिंग में ट्राई करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है और क्या साउंड एंड विजुअल इंडिया ये भी प्रोवाइड करता है, वुड लाइक टू नो दैट। या डेफिनेटली सी, हम क्योंकि हमारे यहाँ इतना डबिंग का काम होता है तो वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू वॉइसेस। तो बहुत एक्टर्स हमें कांटेक्ट करते हैं, बहुत फ्रेश टैलेंट हमें कांटेक्ट करते हैं। अभी फ्रेश टैलेंट का ऐसा है क्योंकि रनिंग काम में इतना टाइम स्पेंड करना ऑन ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ट्रेनिंग का काम अलग से करते हैं, ताकि लोगों को जो जैसे मैंने आपको बताया बेसिक टेक्निकलिटी, बेसिक अप्रोच कि उनको क्या जानना जरूरी है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, इन सब चीजों पे एक बार उनका ध्यान आ जाए, एक बार वो समझ जाए कि व्हाट इज डबिंग ऑल अबाउट, व्हाट इज वॉइस एक्टिंग ऑल अबाउट, मुझे वहां जाके करना क्या है, व्हाट डू आई हैव टू डू इन एन ऑडिशन, एक बार वो समझ लें तो उनको फिर यू नो ऑडिशन के लिए बुलाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो एकदम न्यू कमर्स जो हैं, जो काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, हम उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। आजकल तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो बॉम्बे के बाहर भी बहुत लोग आजकल हमारे ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं। बट इस ट्रेनिंग के जरिए हम भी गेज कर सकते हैं कि किसका कितना टैलेंट है, किसका समझ कितना है, यू नो किसका ग्रास्पिंग पावर कितना है, कि कौन कितनी जल्दी समझ सकता है कि हमें चाहिए क्या, कौन कितनी अच्छी तरह से डायरेक्शन ले पाता है, ये सब चीजें हम भी जान जाते हैं और वो भी समझ सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही करियर है या नहीं है।
और उसके बाद धीरे धीरे हम उन लोगों को छोटे छोटे जैसे कि क्राउड डब्स, एम्बियंस डब्स के लिए बुलाते हैं उनको, जहाँ पे ग्रुप डबिंग होता है, जो फिलर सीन्स होते हैं फिल्मों में या टीवी शोज में, जहाँ पे भीड़ है, कोई बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग हंस रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट सीन है, कोई पार्टी सीन है, यू नो, बहुत लोगों की जरूरत है जो बोल रहे हैं. तो हम इन इन सीन से उनकी शुरुआत करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर धीरे धीरे हमारे डबिंग डायरेक्टर्स और हमारे साउंड इंजीनियर्स पहचानने लगते हैं कि किसका कितना टैलेंट है, किसका कितना समझ है, कौन कितना क्विक पिकअप कर सकता है, समझ सकता है कि क्या चाहिए. और धीरे धीरे हम उनको उस स्टेज से अगले स्टेज पे ले जाते हैं, जहाँ पे वो छोटे छोटे वन लाइनर्स और कैरेक्टर्स, इंसिडेंटल कैरेक्टर्स करते हैं. फिर वहां से नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, जहाँ पे वो टर्शरी कैरेक्टर्स, जो स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, वन सीन टू सीन्स वाले कैरेक्टर्स करने लगते हैं. फिर वहां से दे मूव टू द नेक्स्ट स्टेज वेयर दे स्टार्ट डूइंग सेकेंडरी कैरेक्टर्स. And then gradually we start auditioning them for primary characters, जिसमें you know बहुत एकदम established voices, बहुत skilled artists who are very good actors, not only very good voice actors but actually very good actors who really know how to emote, how to bring out a scene. वो lip sync पकड़ सकते हैं, वो एक लाइन को इंग्लिश से हिंदी में कितना कन्विंसिंगली बोल सकते हैं कि वो लगे ही ना कि वो डब हुआ है. तो फिर ये ग्रेजुअल प्रोसेस है न्यू कमर्स के लिए, जिसमें हम उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलता है, धीरे धीरे दे मूव अप द लैडर टू डू बिगर एंड बेटर रोल्स. सो